नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल में आपका। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडाइजेशन या अपच की समस्या के बारे में। दोस्तों बेसिकली इंडाइजेशन या अपच कोई गंभीर समस्या नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिससे अपनी डेली रूटीन लाइफ में हम हमेशा दोचार होते हैं, इसलिए इसके बारे में बात करना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो के पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि इंडाइजेशन या अपच के सिम्टम्स क्या है, किन सिम्टम्स के बेसिस पर हम ये कहेंगे कि हमें इंडाइजेशन या अपच की समस्या है। तो आइए दोस्तों अगली स्लाइड्स में हम इन सिम्टम्स के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों अब हम बदहजमी के लक्षणों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो कॉमन लक्षण हमें दिखाई पड़ता है वो ये है कि अक्सर भोजन के दौरान जल्दी पेट भरने की शिकायत हमें मिलती है। ये सबसे खास लक्षण है जो बताता है कि बदहजमी की शिकायत हो रही है। दूसरा सिम्टम है कि भोजन के बाद पेट का भरा भरा सा महसूस होना। तीसरा जो एक सिम्टम आता है वो ये है कि भोजन करने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में बेचैनी सी महसूस करना। और चौथा जो एक खास सिम्टम आता है वो ये है कि भोजन के बाद अक्सर जी मिचलाने की शिकायत होना। तो दोस्तों अभी तक हमने जाना कि इंडाइजेशन या अपच के सिम्टम्स क्या हैं, अब हम देखेंगे कि इंडाइजेशन के रीजंस क्या हैं, क्या ऐसे कारण हैं या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे डेली रूटीन में अगर हम उनको करेक्ट करें, या क्या ऐसी गलतियां हैं जो अपनी डेली रूटीन में हम करते हैं जिसकी वजह से ये इंडाइजेशन या अपच की समस्या हमें होने लगती है। तो दोस्तों आइए अगली स्लाइड्स में हम इन रीजंस को बहुत बारीकी से बहुत ध्यान से देखते हैं ताकि हम इनको करेक्ट कर सकें। आइए दोस्तों अब हम बदहजमी के कारणों के बारे में बताते हैं। सबसे पहला कारण है कि अक्सर ये देखा जाता है कि भूख से ज़्यादा भोजन करना भी बदहजमी का एक बहुत खास कारण बनता है। दूसरा एक बहुत खास कारण है वो ये है कि भोजन के तुरंत बाद लेट जाने की या बैठने की जो आदत है ये भी बदहजमी का एक कारण बनती है। तीसरा जो कारण है वो ये है शराब का सेवन करना और अधिक धूम्रपान करने की आदत भी बदहजमी का कारण बनती है। चौथा जो एक बहुत खास कारण बदहजमी का हमें मिलता है वो ये है कि आजकल अक्सर हम लोगों की काम की जल्दी की वजह से या और किसी वजहों से जल्दी जल्दी भोजन करने की जो आदत है ये भी बदहजमी का एक कारण बनती है, क्योंकि इस स्थिति में खाया हुआ खाना ठीक से पचता नहीं है और बदहजमी को पैदा करता है। बदहजमी के अगले कारणों में सॉफ्ट ड्रिंक और सोडा वाली चीज़ों का सेवन भी बदहजमी का एक कारण बनता है। अगला जो एक बहुत खास कारण है वो ये है कि पानी की कमी होना भी बदहजमी का एक कारण बनती है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, अगर हम कम मात्रा में पानी लेते हैं तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा और ये इनडाइजेशन या अपच को जन्म देगा। अगला एक बहुत खास कारण है जो हमें देखने को मिलता है वो ये है कि अधिक चिकना और मसालेदार भोजन को खाना भी बदहजमी का एक बहुत खास कारण है। और सबसे आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो हमें आजकल देखने को मिलता है वो ये है कि लगातार मेंटल स्ट्रेस में रहने वाले लोगों में इनडाइजेशन या बदहजमी की समस्या बहुत ज़्यादा खास तौर पर देखी जाती है। आइए दोस्तों अब हम अपने वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में पहुंच चुके हैं जहां पर हम ये बात करेंगे कि इंडाइजेशन की समस्या से हम कैसे बच सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और ये प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, हम किन चीज़ों को अवॉइड करें, अपने खान पान में किन चीज़ों को खाने से बचें ताकि हम इंडाइजेशन या बदहजमी की समस्या से बच सकें, इसलिए दोस्तों इस वीडियो के इस सेक्शन को बहुत ध्यान से देखें और बताई गई बातों को फॉलो करने की कोशिश करें ताकि हम सब इंडाइजेशन या अपच की समस्या से बच सकें। तो आइए दोस्तों देखते हैं। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि बदहजमी से कैसे हम बच सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला तरीका है कि उतना ही भोजन करें जितनी भूख हो, क्योंकि भूख से अधिक भोजन करने पर ये जो भोजन है वो ठीक से पचेगा नहीं और बदहजमी का कारण बनेगा। दूसरा जो एक बहुत खास बात है वो ये है कि हमें धीरे धीरे भोजन करने की आदत को डालना चाहिए और जो भी भोजन हम करें उसको आराम से चबा कर करें ताकि हमारे पेट को भोजन को पचाने में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और ये समस्या ना हो। तीसरी जो खास बात है वो ये है कि हमें एसिड युक्त चीज़ों को खाने से बचना चाहिए, जैसे खट्टे फल और टमाटर। और चौथा जो सबसे खास उपाय है वो ये है कि हमें कैफीन युक्त चीज़ें जो हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इनका सेवन जितना कम हो सके उतना करना चाहिए। तो आइए दोस्तों होम्योपैथी की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि इंडाइजेशन
कि या अपच की समस्या में या बदहजमी की समस्या में कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक दवाएं हैं जिनके इस्तेमाल करने से हम इस समस्या से बहुत हद तक निजात पा सकते हैं, और अपने लाइफस्टाइल में करेक्शन करके, अपने खान पान में करेक्शन करके और इन दवाओं के इस्तेमाल करने से हम देखेंगे कि इंडाइजेशन की समस्या एकदम छूमंतर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अगली स्लाइड्स में इन्हीं दवाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों अब हम इन स्लाइड्स को देखते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं कि बदहजमी की समस्या को होम्योपैथिक दवाओं से कैसे हम दूर कर सकते हैं। इसी क्रम में सबसे पहली दवा का नाम मैं लूँगा, वो है नक्स वोमिका। अगर हमें अपने रोगी में खाने को जल्दी जल्दी खाने की आदत मिले, या ज़्यादा देर तक बैठ के काम करने वाले लोग हों, या ज़्यादा मानसिक तनाव में रहने वाले लोगों में अगर हमें इनडाइजेशन की समस्या मिलती है तो ये दवा अपना बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसी क्रम में दूसरी दवा है कार्बोवेज। कार्बोवेज दवा का खास सिम्टम है कि अगर कुछ भी खाने के थोड़ी देर के बाद पेट फूलने लगे और डकार आने से थोड़ा आराम आए तो इस दवा का सेवन बहुत फ़ायदा करता है। इसी क्रम में अगली दवा है पल्साटिला। अगर प्यास बहुत कम लगती हो और खाने के बाद भी खाए हुए खाने का स्वाद डकार के साथ आता हो और चिकनी चीज़ें खाने से बदहजमी हो जाती हो तो ये दवा बहुत अच्छा असर दिखाती है। और सबसे आखिरी दवा का नाम मैं लेना चाहूँगा, वो है लाइकोपोडियम। इस दवा का खास लक्षण है कि थोड़ा सा भोजन करते ही ऐसा महसूस होता है कि जैसे पेट भर गया हो और शाम को पेट फूलने की दिक्कत ज़्यादा होती है।